यह मुंबई दहिसर के मणिपेश्वर मंदिर की तस्वीर है, जहां पर मणिपेश्वर मंदिर में पहली बार शिवरात्रि महोत्सव का शानदार आयोजन किया गया। इस शिवरात्रि महोत्सव में सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए करीब लाखों की संख्या में शिवभक्त यहां पहली बार देखने को मिले, और यह नज़ारा ये कहता है कि किस तरह से लोगों में एक आस्था का मानो हुजूम सा उमड़ पड़ा है। और यह तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मणिपेश्वर मंदिर प्रांगण में पहली बार शिवरात्रि का इस तरह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जो है शिवभक्त देखने को मिला। हालांकि जानकारी हम मानते हैं कि मुंबई की शिवरात्रि में सबसे बड़ा अगर शिवभक्तों को देखा गया तो मणिपेश्वर मंदिर प्रांगण में देखा गया। हो भी क्यों ना, क्योंकि ऐतिहासिक मंदिर जिसको अब खोल दिया गया है, बताया जा रहा है कि करीब 1200 वर्षों से भगवान शिव को यहाँ कैद रखा गया था, और जिसको खोलने का काम सनातन धर्म के तमाम मानने वाले लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक ने इस पर पहल की। खास बात यह है कि सांसद गोपाल शेट्टी ने जिस तरह की लड़ाई लड़ी, वो अपने आप में एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि सांसद गोपाल शेट्टी जिस भी काम को अपने हाथ में लेते हैं उसे किसी भी हालत में उसे आखिरी अंजाम तक तो पहुँचाते हैं। इस अंजाम का नतीजा यह है कि बिल्कुल बेहद ही रोचक तस्वीरें यहाँ मणिपेश्वर गुफा से देखने को मिल रही है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि इस मणिपेश्वर गुफा में कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जिसकी जानकारी बेहद ही रोचक हो सकती है। हालांकि सांसद गोपाल शेट्टी इसे और भी सुंदर और व्यवस्थित करने का संकल्प लिए हैं, और जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जब अगली शिवरात्रि होगी तो वो किस तरह की होगी। हालाँकि ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र का ये सबसे बड़ा मंदिर हो सकता है, और क्योंकि बताया जा रहा है कि करीब 1800 वर्ष पुराने इस शिव मंदिर को जो है एक पुनर्जीवित करने का काम किया है, जहां पर 18 किलो की चांदी से भगवान शिव को जो है यहां स्थापित किया गया है। यानी कि जो शिव की प्रतिमा है 18 किलो चांदी से बनाई गई है, जिसका पहला वर्ष जो है शानदार तरीके से यहाँ उसको मनाया गया। अब उसके बाद सहयोग किया है उनका सम्मान यहाँ उत्तर प्रदेश के पूरे राज्यपाल सांसद गोपाल शेट्टी यहाँ मौजूद है, उनके साथ तमाम पदाधिकारियों का सम्मान किया जा रहा है। महोत्सव को सफल बनाने में काफी योगदान दिया है। देखिए खास मंडपेश्वर गुफेसाठी पहिल्यापासून कार्यकर्त्यांनी संघर्ष केला, त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले असे उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल आदरणीय आपल्या सर्वांचे नेते आदरणीय रामभाऊ नाईकजी, ज्यांच्या संसदरत्न म्हणून पुरस्कार मिळालेला आहे, उद्यान प्रमुख उद्यान सम्राट असे ज्यांची ख्याती आहे, असे आपल्या सर्वांचे लाडके खासदार गोपाल शेट्टीजी, ज्यांनी आत्ता आपल्याला मार्गदर्शन केले असे चारकोपचे आमदार योगेश सागर दरेकरजी, जिल्हा अध्यक्ष गणेश खणकरजी, त्याचप्रमाणे आमचे ज्येष्ठ नेते आदरणीय ॲडव्होकेट जे पी मिश्राजी, श्रीकांत पांडेजी, जमनाजीजी, करुणाशंकर ओझाजी, विनोद शेलारजी, साल के बाद मेरे राम लल्ला नारी शक्ति का ताली बजाइए, सब लोग जोरदार ताली बजाइए। भाभी नहीं होती तो आपके पास सचिन नहीं मिले होते, इसलिए आप ताली बजाइए सब लोग।
पांडे जी थोड़ा पांडे जी आगे चलाएंगे, लेकिन उससे पहले दो नामों का मैं उल्लेख करूंगा। जयप्रकाश मिश्रा जी हम सबके बीच में है, वो मेरी बात को सुने होंगे। जयप्रकाश मिश्रा जी ने 45 साल निःशुल्क सेवा दिया है भारतीय जनता पार्टी, यहाँ तक पहुँचे हैं, उनका भी हम यहाँ पर सम्मान है। कमलेश श्रृंगी, महानगर में शिव जी का मंदिर भी बना हुआ है, बहुत अच्छी व्यवस्था। हमारे बीच में वीरेंद्र याज्ञिक जी उपस्थित हैं, इसे निवेदन है कृपया आए और का ग्रहण करें। बढ़िया कथा सुनाए याज्ञिक जी। घड़ी जो है उसको हम सब लोगों ने मिलकर आगे बढ़ाना है। रामबाबू ने जो काम किया इतने लंबे समय तक, तो उनको जो पद्म भूषण, जी के आह्वान पर सवेरे से लेकर के और अभी तक 2000 किलो मिठाइयां लगातार आती रही और अनेक ने बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसा मैं मानता हूँ। पिछले अनेक वर्षों से छोटे छोटे कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर छोटा मोटा कार्यक्रम करते रहते थे, लेकिन इसका साल का नजारा कहिए या तो फिर लोगों के जिस प्रकार से भीड़ यहाँ पर उमड़ी है वो देखते ही बनता है। यानी सनातन धर्म, हिंदू धर्म में आज भी कितनी ताकत है, ये कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको दिखाई देता है। इसलिए इस काम को आगे बढ़ाने में जिन जिन लोगों ने जो जो चीज़ें हमको यहाँ पर भेंट के स्वरूप में दिए, उन सबका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और हम सब लोगों ने मिलकर ये संकल्प लिया है कि आने वाले दिनों में सरकार पैसा देती है तो सरकार के पैसे से, सरकार अगर पैसा नहीं देती है तो हम भक्तजनों के पैसे से भी जो भी चीज़ों का यहाँ पर निर्माण करना है वो करते हुए मंडपेश्वर गुफा का वैभव हम बढ़ाएंगे, ताकि पूरे मुंबई शहर का यह आकर्षण हो। इस प्रकार का एक सोच हम सब कार्यकर्ताओं के मन में है, भक्तजनों के मन में है, उसको जमीन पर उतारने का काम हम करेंगे। इस मंडपेश्वर गुफा के संघर्ष में जिन लोगों ने सहयोग दिया उनका भी आज सम्मान किया गया है। कुछ लोगों का सम्मान हुआ, कुछ लोग जानकारी दे नहीं पाए और आज बहुत सारे जगह पे कार्यक्रम होने की वजह से वो समय पर आ भी नहीं पाए, लेकिन फिर एक बार एक कार्यक्रम का आयोजन करते हुए हम उनका भी सम्मान करेंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि इतना बड़ा जब काम हुआ है तो उसके सामने ये छोटा मोटा सम्मान कोई मायने रखता नहीं है। हम सबके जीवन में इतने बड़े काम में अपने आप को झोंक देने का एक अवसर प्राप्त हुआ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है।